सभी साथियों को जय किसान। साथियों, पिछले काफी दिनों से किसान साथी जो है काफी असमंजस की स्थिति के अंदर है कि कॉटन की बिजाई करें या नहीं करें, अगर करें तो कितनी करें, कैसे करें, ताकि गुलाबी सुंडी से जो है बचा जा सके। सबसे पहली बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ, अपने खेत के सबसे बड़े डॉक्टर आप हो। आपको ये चीज तो हमेशा से ही दिमाग में रखनी चाहिए, क्योंकि वीडियो बनाने वाला वीडियो बना के चला जाएगा, आपको बताने वाला खेत में, मान लो कि जो कंपनियों के लोग आते हैं वो आपको बता के चले जाएंगे, वो उनका काम है। लेकिन अपने खेत के अंदर आपने कौन सा बीज बोना है, कौन सी स्प्रे करनी है, कौन सी खाद डालनी है और कितनी मात्रा में डालनी है, ये आपसे बेहतर और ना तो आपको कोई बता पाए और ना ही उनकी बताई हुई चीज जो है आपने खेत के अंदर असर कर पाए। तो पहली बात तो ये नोट करने वाली है। उसके बाद आपने साथियों कॉटन की बिजाई के अंदर देखिए, बहुत सारे साथी इस पर ये कह रहे हैं कि कॉटन की बिजाई हमें जो है नहीं करनी चाहिए। उनकी बात भी वाजिब है, पिछली बार बहुत बड़ा नुकसान हुआ किसानों को कॉटन के अंदर, खास करके जो गंगानगर और हनुमानगढ़ का एरिया था, अनूपगढ़ का कुछ एरिया ठीक था, लेकिन काफी नुकसान उस साइड भी जो है अनूपगढ़ के अंदर भी हुआ है। तो उनकी बात वाजिब है कि इस बार कॉटन का बीजान जो है नहीं करना चाहिए। कुछ साथियों का मत यह है कि पिछली बार से आधा जो है हमें कॉटन का बीजान करना चाहिए। उनका मत यह कि अगर पिछले साल मुरब्बे के पीछे 12 बीघे थे तो इस बार उनको घटा करके 6 बीघे करना चाहिए, ताकि नुकसान से बचा जा सके और बाकी जो है गवार, मूंग या फिर सोयाबीन या फिर अदर जो सोर्सेज है फसल के, उनके अंदर जो है ट्राई की जाए। कुछ साथी ऐसे हैं जिनके अंदर, मान लो एक मैं भी शामिल हूं, कि उनके खेत के अंदर ग्वार और मूंग की फसल हुई नहीं है पिछले सालों में। उसका कारण ये कि ट्यूबवेल के पानी जो है, वो जो धरती वाला पानी है वो ज्यादा लगा है, मूंग जो है मानता नहीं उस जमीन को, और ग्वार के भी अंदर जो है फंगस वगैरह काफी उसकी वजह से आ जाती है। हालांकि ट्यूबवेल मिक्स करके लगाए तो ज्यादा बेटर है। मेरे इलाके में हालांकि पानी काफी ठीक है, लेकिन कुछ जगह ऐसी है कि जहां पर बिल्कुल भी ग्वार जो है पानी को साथियों नहीं मानता है। असल बात यह है ग्वार के अंदर कि ग्वार की फसल एक अच्छा सोर्स है, लेकिन उसके भाव नहीं है। मूंग के भाव अच्छे हैं, लेकिन अब कितना निकले, कैसे निकले, ये भी एक जो है बात करने वाली है। लेकिन क्या हम कॉटन का बिजान ही नहीं करें, बिल्कुल ही नहीं करें? देखिए, आपका खेत है, बिजान आपको करना है, आपको अपने हिसाब से करना है। लेकिन किसान के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। किसान के पास रास्ता है सिर्फ खेती, हमारा ना तो कोई और बिजनेस है, ना कोई हमारा और धंधा है साथियों। तो फिर कॉटन के अंदर अगर हम लोग बुआई करें तो उसके अंदर गुलाबी सुंडी से बचाव कैसे हो सकता है, उसके लिए कुछ 2-4-5 चीजें ऐसी हैं साथियों जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जो चीजें मैंने पीयू, जीयू, एचयू, जितनी ये यूनिवर्सिटीज हैं जो इनके लोग हैं उनसे सीखी हैं, और दूसरी बात जो खेती के एक्सपर्ट लोग हैं उनसे सीखी हैं, और दूसरी तीसरी बात जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनका जो कहना है, लगभग लगभग ये जो चीजें हैं साथियों इनके अंदर 4-5 चीजें हैं जो ख्याल रखने वाली है कॉटन की बिजाई के अंदर। सबसे पहला, कॉटन की दूरी कितनी रखें, जो पाड़े से पाड़े की दूरी होती है जिसको ओड़ा भी बोलते हैं कुछ साथी, अपनी अपनी भाषा में अलग अलग बोलते हैं, जो लाइन होती है कॉटन की, उनकी दूरी कम से कम 3.5 फीट हो, 3.5 से 4 फीट भी हो जाए तो बहुत ज्यादा बेटर है। उसके लिए जो 3 पाड़े वाली बिजाई करते हैं लोग, थोड़ा सा उससे भी और गैप बढ़ा के अगर वो बिजाई करें तो काफी बचाव हो सकता है, क्योंकि उससे जो है हवा पास हो जाएगी। बूटे से बूटे की दूरी, जो पौधे से पौधे की दूरी है, वो भी साथियों कम से कम जो है 2 फीट की हो, 2 से 2.5 फीट की अगर दूरी रहेगी तो काफी हद तक बचाव इन लोगों का, जो एक्सपर्ट लोग हैं, इनका कहना कि सुंडी से हो सकता है। क्योंकि जितना गहरा होगा, जितना कद बड़ा होगा कॉटन का, जितना मतलब कि फसल जो है भारी होगी, तगड़ी होगी, उससे नुकसान पिछली बार ज्यादा हुआ था। आपने देखा होगा जिन लोगों ने कॉटन को काफी लेट बिजान किया था, उनकी फसल माड़ी रह गई थी, कमजोर रह गई थी, उन लोगों का कॉटन पिछली बार काफी अच्छा साथियों निकला था। सबसे बड़ी और तीसरी बात इसके अंदर की कॉटन की बिजाई करें कब, सबसे बढ़िया जो समय होता है कॉटन का वो होता है 5 मई से लेकर 15 मई के बीच में बिजान करने का। अब कुछ साथियों का, जैसे हमारी ब्रांच सूरजगढ़ की बात करें तो यहाँ पर पानी आ गया था, अभी लगाने के नाम, पीने के नाम पे पानी आया था, लेकिन अच्छा पानी चला, किसान साथी ने उसकी रोनी की। कोशिश करो उसको डिले करो, कोशिश ये करो कि 15 मई के इर्द गिर्द जो है बिजाई करनी चाहिए। अब किसी के मेरे कैसे रोनी निकल गई तो वो बात अलग है साथियों, वो कितना 2-4-5 दिन आगे ले जाएगा। जैसे आज मौसम थोड़ा खराब है तो इस मौसम का फायदा मिल सकता है उसको, वो अपनी जमीन को जो है एक बार रख सकता है थोड़ा और आगे। कम से कम 5 मई से लेके 20 मई के बीच में जो है बिजाई करें, और बिजाई करने के बाद उसको कुछ दिन के लिए
बस ठीक है आप जाओ खेत में गेड़ा मारो ठीक है, ज्यादा खुराक या फिर पानी ज्यादा देने की उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी फसल की बढ़वार होगी उतना ही गुलाबी सुंडी ज्यादा आएगी, इस बात में कोई भी दोहराई साथियों नहीं है। पिछली बार जिस फसल की हाइट कम थी उसका जो है झाड़ अच्छा रहा था दूसरी फसलों के मुकाबले में, दूसरे जो। अब बात करें साथियों बीज की, अपने हिसाब से आपके खेत को जो बीज सूट करता है, देखिए हो सकता है मेरे खेत को कोई अलग बीज सूट करता हो, आपके खेत को अलग बीज सूट करता हो, बीज अपने हिसाब से डालो, ज्यादा अफवाहों से बचने की जरूरत है। अभी नहीं लगता कि बाजार के अंदर कोई 3G 4G कोई बीज आया है, गुजरात से कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे पास ये बीज है वो बीज है, लेकिन जितने भी एग्रीकल्चर के अंदर हमारे दोस्त मित्र हैं उनके अंदर जो हमारे गोदारा जी हैं अनूपगढ़ से जो कृषि अधिकारी हैं उनसे भी बात हुई थी, उनका भी यही कहना था कि नहीं अभी ऐसा कोई बीज जो है बाजार के अंदर उपलब्ध नहीं है, जब होगा तो पूरे देश के लिए होगा, तो थोड़ा सा उन अफवाहों से भी हमें जो है बच के रहने की साथियों जरूरत है। कीटनाशक काफी साथी करते हैं, हालांकि हम लोग काफी कम करते हैं, करते ही नहीं थे पिछली बार, कोई एक स्प्रे दो स्प्रे निकाली थी, जो करते हैं वो अपना ध्यान रखें, अपना जो समय है उसको कीटनाशक को मेंटेन रखें, ये भी चीज बड़ी है। और सबसे बड़ा बचाव जो पिछली बार हुआ था, जो फोरेमैन ट्रैप आता है, जो एक वो अपने कॉटन के अंदर लकड़ी डाल के लगाते हैं, उसका यूज ज्यादा से ज्यादा करें, फसल के लगभग 40 दिन की होने के बाद ही आप उसका यूज करें, उसको समय पर संभालें, उसको खाली करें, जब खाली करें तो एक गड्ढा खोद के उसके अंदर खाली करके ऊपर से उसको मिट्टी से जो है भूर दें। ये कुछ मेन चीजें हैं साथियों जिनसे गुलाबी सुंडी से बचाव किया जा सकता है। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि बिल्कुल गुलाबी सुंडी नहीं आएगी, हो सकता है तापमान काफी ज्यादा एक रोल अदा करेगा इस बार कॉटन की फसल के अंदर, बताया जा रहा है कि लू चलेगी इस बार, पिछले साल के मुकाबले जो है गर्मी भी ज्यादा होगी और बरसात भी ज्यादा होगी, अगर गर्मी पड़ती है अगर लू चलती है तो फिर भी काफी हद तक जो है गुलाबी सुंडी के अंदर बचाव रह सकता है, क्योंकि जिस जगह पर मॉइस्चर मेंटेन रहता है वहां पर ये काफी ज्यादा जो है साथियों अटैक करती है। तो ये कुछ मेन चीजें थी साथियों, मैं पुनः कहूंगा अपने खेत के सबसे बड़े डॉक्टर आप खुद हो, सबसे ज्यादा जानकारी अपने खेत की आपको है, लेकिन पौधे से पौधे की दूरी, पाड़े से पाड़े की दूरी, समय पर फोरेमैन ट्रैप और समय पर जो है कीटनाशक, और सबसे बड़ा जो रोल रहेगा साथियों वो मौसम का रहेगा। उम्मीद करता हूं कि इस बार भगवान आप सब किसान भाइयों को बहुत अच्छी फसल दे और पिछले साल जो किसानों का नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हो सके। साथियों मिलेंगे जल्द अगली वीडियो के साथ। सोयाबीन के बारे में काफी साथी पूछते हैं कि सोयाबीन की बिजाई करें कैसे करें, कितना उत्पादन है उसका, क्या भाव रहता है, कितना वजन रहता है, कौन कौन सी बीमारी उसको लगती है, उसके ऊपर जल्द एक वीडियो साथियों लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद किसान एकता, जिंदाबाद।